एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के तीसरे पार्ट में मैं सचिन कुमार मंदिलवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया बिहार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व पार्ट टू में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक विजेता की भांति भारत आए और भारत आने के पश्चात अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श से उन्होंने देश का भ्रमण किया। सन 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम को स्थापित किया। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह में उनके नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जब भारत की जनता अंग्रेज सरकार से एक सौगात की उम्मीद लगाए बैठी थी, उस समय रॉलट बिल आया और उस रॉलट बिल के विरुद्ध भारतीयों ने गांधी के नेतृत्व में रॉलट सत्याग्रह किया। लेकिन इस सत्याग्रह के दरमियान हम ये देखते हैं कि 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहां पर एक नृशंस हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसके मार्फत सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की तादाद, शहादत देने वालों की तादाद तकरीबन 1000 से ज्यादा थी। 1650 गोलियां उस दरमियान चलवाई गई थी। बहरहाल हमें देखते हैं कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जो भारतीयों की उम्मीद थी, आशा थी, आकांक्षा थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। हम बात करते हैं आज से ठीक 100 साल पहले की। वर्तमान में हम 2020 में हैं। हम 1920 की बात करते हैं, 100 साल पहले की बात करते हैं। 100 साल पहले का परिदृश्य एक निराशा का वातावरण लिए हुए था। इसे एक क्षोभ का वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह दौर, जहां एक ओर महंगाई का दौर रहा, वहीं दूसरी ओर भारतीयों की निराशा में बढ़ोतरी का वर्ष रहा। इस समय हमारे देश की जनता जहां एक ओर ब्रिटिश कुशासन से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर महामारी की चपेट में भी हमारा देश इस समय रहा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसके माध्यम से दोहरी शासन प्रणाली की बात कही गई, जनता को किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिला। दूसरी ओर मुसलमानों का वर्ग भी अपने आप को अंग्रेजों से ठगा महसूस कर रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों से अंग्रेजों ने यह वायदा किया था कि वे तुर्की के प्रति उदार नीति अपनाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद इसके विपरीत नीति का उन्होंने पालन किया। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के संदर्भ में जिस हंटर कमीशन का गठन किया गया था, उस हंटर कमीशन ने जनरल डायर के पक्ष में अपना फैसला दिया। यहां तक कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी जनरल डायर के कृत्य को सही ठहराया। एक ओर खिलाफत आंदोलन भी सक्रिय हो रहा था, दूसरी ओर जून 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को भी खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधुओं ने अपना समर्थन प्रदान किया। मई 1920 में कांग्रेस की एक बैठक हुई और सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन इसके लिए कालांतर में आयोजित करने की बात कही गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को जहां एक ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने
एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। उनका देहांत हुआ था और इसी दिनांक को भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया था। एक तरफ शोक और दूसरी तरफ आंदोलन की शुरुआत हुई। कालांतर में दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान इस असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई और एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के लोग अपनी उपाधियों का परित्याग करेंगे, प्रशस्ति पत्र सरकार को लौटाएंगे, स्कूल और कॉलेज का परित्याग विद्यार्थी करेंगे, अदालत का परित्याग वकील करेंगे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ तक कहा गया सरकारी नौकरी को हम छोड़ेंगे, छुआछूत मिटाने का कार्य करेंगे और कुछ मामलों में कानून की अवज्ञा भी करेंगे, सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे। और महात्मा गांधी की यह मान्यता थी कि अगर देश की जनता तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ इन सब का पालन करे तो एक वर्ष के अंदर वे देश को आजादी दिला सकते हैं। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य बदल दिया, अब अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति की बात कही गई। कोई भी बड़ा आंदोलन अकेले चलाना एक कठिन काम है, इसलिए महात्मा गांधी के प्रस्ताव से एक 15 सदस्यीय समिति का गठन असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए गठित किया गया। कांग्रेस के मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए 4 आना शुल्क निर्धारित किया गया, हिंदी को संपर्क भाषा बनाया गया और जनवरी 1921 के आते आते हम यह देखते हैं कि भारत में होने वाला असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था वह अपने चरम पर था। चहुओं असहयोग आंदोलन सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहा था और इस आंदोलन के माध्यम से हमें देखते हैं कि महात्मा गांधी अली बंधुओं के साथ देश भ्रमण पे निकले और प्रभुदास गांधी जो कि महात्मा गांधी के साथ इस समय सफर कर रहे थे वे बताते हैं कि हमारी ट्रेन यानी जिस ट्रेन में वे सफर करते थे वो जब रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती थी महात्मा गांधी आम जन से ये अपील करते थे कि विदेशी वस्त्रों का परित्याग करें। प्रतीक रूप में हर कोई अपने कोई ना कोई वस्त्र वहां पर आहुति में देता और जब ट्रेन आगे बढ़ती खिड़की से वे बाहर का परिदृश्य देखते तो वहां पर एक होलिका दहन जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता था। इस तरह इस असहयोग आंदोलन में जनता ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परित्याग किया गया। 1920-21 के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में 1 अरब 2 करोड़ रुपए का कपड़ा आयात किया गया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1921-22 में यह आंकड़ा 57 करोड़ पर पहुंच गया, यानी आयात की दर लगभग आधी हो गई। महात्मा गांधी ने आम जन से खादी के कपड़ों को पहनने की अपील की और जब एक बार वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो भीड़ से एक आवाज आई कि खादी का कपड़ा महंगा है। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी माने जाते थे कि जो बात वे जनता से करते थे उसको पहले खुद पे अमल में वे लाते थे। उसी दिन से महात्मा गांधी ने धोती और कुर्ते का परित्याग किया और उन्होंने उतना ही कपड़ा पहना जितना को बना सकते थे। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया, खादी एक देसी वस्त्र के रूप में उन दिनों माना गया और यहाँ तक कि जो ताड़ी के दुकान थे वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि यह
एजेंडे में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया। इससे सरकार को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। सरकार ताड़ी पीने के फायदे गिनाने लगी, उसका वह प्रचार करने लगी। ये इस बात का परिचायक है कि कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन से सरकार प्रभावित हो रही थी। जुलाई सन 1921 में हमें देखते हैं कि कराची में मोहम्मद अली ने जब एक सभा को संबोधित किया, तब उन्होंने मुसलमानों से यह कहा कि ब्रिटिश सेना में रहना या कार्य करना धर्म के खिलाफ है। इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई, और जितना इसकी प्रतिक्रिया हुई, अली बंधु का, इसके नेतृत्वकर्ताओं का महत्व बढ़ा और अंग्रेज सरकार की किरकिरी हुई। महात्मा गांधी और कांग्रेस के लगभग 47 बड़े नेताओं ने इस भाषण का समर्थन भी किया था। 17 नवंबर सन 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जब बंबई पहुंचे तो उनका स्वागत स्ट्राइक के साथ किया गया। महात्मा गांधी ने बंबई में ही एल्फिंस्टन मिल के अहाते पर एक स्पीच दिया था, एक भाषण दिया था, और उस भाषण के बाद जब भीड़ बाहर निकली तो एक भीड़ गांधी की सभा से लौटने वाले लोगों की थी और एक भीड़ प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत से लौटने वाले लोगों की बीच थी। तनावपूर्ण वातावरण में इन दोनों भीड़ के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई, खून खराबा हुआ, और इस दौरान पारसी, ईसाई, एंग्लो इंडियन हताहत हुए और लगभग 58 व्यक्ति मारे गए। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, वे तुरंत अनशन पे बैठ गए और उनके अनशन पर बैठने के बाद हिंसा शांत हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां भी गए स्ट्राइक से उनका स्वागत हुआ। इस समय असहयोग आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। अंग्रेजों ने यह देखा कि दिन प्रतिदिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सक्रियता पूर्वक आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इसको रोकने के लिए अब उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी और अली बंधुओं के मध्य फूट डालने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली। दमनात्मक नीति के तहत उन्होंने बंगाल में चित्रंजन दास को अरेस्ट कर लिया, और कहा जाता है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर लगभग 30,000 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। मदन मोहन मालवीय के माध्यम से बातचीत का भी एक दौर चला, लेकिन वह सफल नहीं रहा। चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक छोटा सा कस्बा था, वहां पर एक भीड़ जो कि कांग्रेस के लोग थे, खिलाफत पार्टी या जो आंदोलन था उसके लोग थे, वे जा रहे थे, कुछ पुलिस वालों के साथ तकरार हुआ, और इस दौरान जो झड़प हुई उसके बाद इस उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। यह घटना 5 फरवरी सन 1922 की है। इस घटना में 22 कर्मी, पुलिस कर्मी मारे गए, और महात्मा गांधी इस घटना से बहुत ज्यादा आहत हुए और बगैर किसी से परामर्श किए उन्होंने 12 फरवरी सन 1922 को इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आज भी संगोष्ठियों में यह एक डिबेट का विषय माना जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को एक ऐसे समय पर, जब वह अपने चरमोत्कर्ष पर था, उन्होंने वापस क्यों ले लिया। मोतीलाल नेहरू, चित्रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी भौचक रह गए। उनका यह कहना था कि एक गांव का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। लेकिन हम यह जानते हैं कि महात्मा गांधी की यह विचारधारा थी कि किसी भी जन आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता।
लंबे संघर्ष के लिए एक पड़ाव की जरूरत होती है। जब हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तो बीच में हम विश्राम करते हैं। अगर हम नॉन स्टॉप ऊंचाई तक जाएं तो हमारी सांस फूलने लगेगी। इसलिए महात्मा गांधी संघर्ष करते थे, विराम करते थे और फिर एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उल्लास के साथ वे पुनः संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करते थे। जो भी हो, इस असहयोग आंदोलन ने यह दिखला दिया कि आजादी की भूख सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं है, बल्कि आजादी की भूख निरक्षर जनता को भी सताती है। अंग्रेजों को दमन का मौका मिला, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और अगले 6 वर्ष तक वे राजनीति से दूर रहे। 23 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाए या कई साल लग जाए, अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना कि सन 1857 के समय किया था, फैसला होकर रहेगा। महात्मा गांधी के गिरते स्वास्थ्य के कारण उनको रिहा कर दिया गया और गांधी जी ने सन 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह था 1924 का कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। इसके पश्चात गांधी राजनीति से दूर रहे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इस कमीशन का भारतीयों ने प्रबल विरोध किया क्योंकि इसे भारतीयों ने स्वेत कमीशन की संज्ञा दी। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे जबकि इस कमीशन का गठन भारतीयों के लिए किया गया था और इसी दौरान लाला लाजपत राय को एक पुलिस अधिकारी के द्वारा लाठियों का प्रहार किया गया और 1 माह पश्चात उनका देहांत हुआ था। महात्मा गांधी इसके बाद पुनः सक्रिय हुए और उन्होंने पुनः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन की चर्चा हम एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के 4th खंड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।